फ्रेंड्स, स्वागत है इंडो चाइनीज स्पाइस बॉक्स में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट इंडो चाइनीज डिश, पाइनएप्पल प्रॉन करी। तीखी और खट्टी, जिसमें रसीले पीसेस प्रॉन्स के पकाए जाते हैं पाइनएप्पल और लाल मिर्च की करी में। आइए देखते हैं क्या सामग्री हमें चाहिए होगी। सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा पाइनएप्पल लगभग आधा, जिसको काटा है क्यूब्स में, 2 कप नारियल का दूध, 1/4 कप भर के स्टॉक, किसी भी प्रकार का स्टॉक, चिकन या फिश, नमक स्वादानुसार, 6 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 बड़ी चम्मच भर के हल्दी, 1/4 कप मूंगफली, 6 से 8 शिम के टुकड़े जो हो साइज में बहुत ही बड़े और टेल्स भी हों, 8 से 10 टुकड़े शैलॉट्स के या सांबर अनियन के, 6 से 8 टुकड़े कश्मीरी लाल मिर्च के जिसे भिगोया है भुनभुने पानी में, और अंत में हमें चाहिए लगभग 2 इंच का टुकड़ा कलंगल का, जिसे कहते हैं चाय का पत्ता भी। सबसे पहले हम काट लेंगे ये लेमन ग्रास को, जिसे कहते हैं चाय का पत्ता भी। हमें सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है, ये बाकी का बचा हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में और बन जाएगी अच्छी सी मसाला चाय। तो निकाल लीजिए बाहरी ये कड़क हिस्सा और फिर स्लाइस कीजिए ये अंदर का हिस्सा। याद रखिए, इसे पीसना है हमें, इसलिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। तो अब इस मिक्सी जार में हम ऐड करेंगे ये लहसुन, अदरक, ये सांबर प्याज या शैलॉट्स, लेमन ग्रास, ये मूंगफली, लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी भी, और लगभग 1 चम्मच भर के हल्दी। पीस कर बनाएंगे बारीक पेस्ट। तो सबसे पहले मैंने पाइनएप्पल को काटा है 2 टुकड़ों में, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने नीचे का टुकड़ा भी काटा है। हम कोशिश करेंगे इसमें सर्व करने का करी को, और इस हिस्से को इस्तेमाल करेंगे करी में फ्लेवर के लिए। तो हमें क्या करना है कि काटना है इसे 2 टुकड़ों में, और लेकर के एक बहुत ही धारदार चाकू और पूरा काटेंगे इस तरीके से, और फिर इसे निकाल लेंगे। तो फिर इसे काटते रहिए और निकालते रहिए टुकड़ों को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए पका लेते हैं वो पेस्ट को जिसको हमने पीसा है। जिसके लिए चाहिए 1/4 कप तेल। अगर आपके पास है मूंगफली का तेल तो वो भी स्वादिष्ट लगेगा इस डिश में, उससे आएगी बहुत अच्छी फ्लेवर। और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे ये पेस्ट, और हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनटों के लिए। तो हम इसे पकने देंगे लगभग 15 मिनटों के लिए, और तब तक जो पाइनएप्पल हमने काटा था उसे हम क्या करेंगे कि इसे पका लेंगे बस थोड़े से गर्म पानी में, क्योंकि हमें पाइनएप्पल को पका लेना है ग्रेवी में डालने से पहले। तो इसे उबलने देंगे लगभग 6 से 8 मिनटों के लिए, और उस पर ध्यान रखेंगे। अब ये पेस्ट हमारा पक रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हो ये बॉल सा बन रहा है, इसका मतलब ये पक चुका है अच्छी तरीके से। इसमें ऐड करूंगी ये स्टॉक, इसे पकाएंगे और 2 से 3 मिनटों के लिए, और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल्स जो अच्छे से पक रहे हैं। ये नरम हो चुके हैं अच्छे से, मैं इसे निकालूंगी पानी के साथ, पाइनएप्पल को ऐड करूंगी ग्रेवी में, जिससे आएगी बहुत ही जायकेदार मीठी पाइनएप्पल फ्लोरल फ्लेवर इस डिश में। मिला लूंगी ये सब अच्छे से, इसे उबलने देंगे लगभग 3 से 4 मिनटों के लिए, ताकि सारी फ्लेवर्स घुल जाएं अच्छे से, और फिर इसे चेक करेंगे। अब ग्रेवी उबल चुकी है अच्छे से, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा नमक, मिला लूंगी ये सब, आंच को कम करूंगी और ऐड करूंगी इसमें नारियल का दूध। हल्के से चला लेंगे इसे, और फिर ऐड करेंगे ये श्रिम्प, इसे पकने देंगे लगभग 8 मिनटों तक, जब तक के प्रॉन्स हो जाए नरम। अब ये करी तैयार है, बहुत ही अच्छा जायका आ रहा है इसमें से। मैंने क्या किया कि मैंने पहले निकाल लिए ये टुकड़े प्रॉन्स के, और अब मैं क्या करूंगी कि मैं ऐड करूंगी ये ग्रेवी, ये कार्व्ड किए हुए पाइनएप्पल में जो हमने पहले से रखा था, इससे बनता है प्रेजेंटेशन और भी सुंदर।
ऐड करूंगी श्रिम्प के टुकड़े ऊपर से। अगर आपको बड़े पूरे श्रिम्प नहीं मिलते इस तरीके से तो भी ठीक है, आप लीजिए छोटे श्रिम्प्स या श्रिम्प्स के टुकड़े, वो भी उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए, ऐड करेंगे ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और थोड़े से तिल के दाने, और अब तैयार है ये स्वादिष्ट डिश जिसे लगे सिर्फ 10 मिनट पकाने के लिए।